Congress Vice President Rahul Gandhi, while addressing a rally in the beautiful state of Jammu and Kashmir's Donda, targeted BJP's Prime Ministerial designate Narendra Modi for being secretive about his marital status. The Gandhi's kin raised questions on why the poster boy of the Saffron Party had been secretive about his wife despite having contested so many elections. Breaking up the Snoop Gate issue, Rahul questioned the BJP's claim to work for empowerment of women, saying in Gujarat policemen are sent behind women while their workers beat women in Karnataka in the name of moral policing. फिर गुजरात जहां के चीफ मिनिस्टर है, अच्छा पता नहीं कितने इलेक्शन लड़े हैं, पहली बार लिखा है कि शादीशुदा है, पहली बार दिल्ली में महिलाओं की इज्जत, मगर अपने अपनी पत्नी का नाम एफिडेविट तक नहीं पहुंचता है। अच्छा ठीक है, कारण होगा पता नहीं, चीफ मिनिस्टर का पूरा दम, पुलिस का पूरा दम एक महिला के फोन को टैप करने में लग जाता है। गुजरात की पुलिस एक महिला के पीछे दौड़ती है कि भाई सीएम जानना चाहता है क्या हो रहा है, और फिर दिल्ली में पोस्टर लगता है महिलाओं की इज्जत करेंगे। किस प्रकार की इज्जत है ये? The Congress Vice President further lambasted BJP's India Shining campaign, saying that the Saffron Party never went to the people asking about the reality. On the other hand, patting the back of Congress, Rahul said it took 6 months for the ruling party to make the manifesto after consultation with every section of the society. चुनाव के पहले ये शुरू हो जाते हैं। 2004 में India Shining का नारा दिया, कहा कि भैया हिंदुस्तान चमक गया। आपसे यहां आकर पूछा नहीं कैसी चमक है, गांव में नहीं गए पूछा नहीं किसी से कि भाई चमक है या नहीं। दिल्ली में कह दिया, दो तीन बिजनेसमैन से पूछा और कह दिया भैया देखो ये तीन चार लोग खुश हैं, बड़े बड़े उद्योगपति खुश हैं, हिंदुस्तान चमक गया। हम आपके बीच में आते हैं, आपसे पूछते हैं, मैनिफेस्टो हमने बनाया, अभी 6 महीने लगे, सबसे पूछा, महिलाओं से, मजदूरों से, आदिवासियों से, युवाओं से, हर प्रदेश में जाके हमने पूछा भाई क्या चाहते हो आप, और आपने हमें बताया। दिस रिपोर्ट वॉज ब्रॉट यू बाय NNIS.